गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरके विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर पेपर नंबर सेकंड, मजा सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का। ठीक है, सेल बायोलॉजी में हमने क्या पढ़ा, सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया है। हम पढ़ रहे हैं सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी के अंदर हमारे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, ठीक है, और क्रोमोसोम चल रहा। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा, लास्ट वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा कि प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस तरह से इसका ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ठीक है, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में क्या होता है, वायरल क्रोमोसोम्स क्या क्या होते हैं, वायरल क्रोमोसोम्स में डीएनए कैसा प्रेजेंट होता है। ठीक है, और लास्ट हमने पढ़ा यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में किस तरह का क्रोमोसोम्स होते हैं। हमने उसमें क्या पढ़ा, चार टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। फर्स्ट कौन सा है, ऑटोसोमल, जो कि क्या करता है, पूरी बॉडी के पूरे फंक्शंस को रिप्रेजेंट करके जाता है। सेकेंड क्या है, सेक्स क्रोमोसोम, जो कि जेंडर को रिप्रेजेंट करके जाता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, जिसके अंदर होमोगैमेटिक और हेटरोगैमेटिक के बारे में पढ़ा। ह्यूमंस के अंदर होमोगैमेटिक फीमेल्स को रिप्रेजेंट करके जाता है, एक्स क्रोमोसोम एंड एक्स क्रोमोसोम, और मेल्स के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम रहते हैं जो कि हेटरोगैमेटिक को रिप्रेजेंट करके जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में हमने पढ़ा सुपर न्यूमेरिक क्रोमोसोम, जो कि नॉर्मल क्रोमोसोम से उसकी साइज बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, और छोटी साइज से क्या होता है, वो हेरिडिटरी को फॉलो नहीं करते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं हो पाते, बहुत ही ज्यादा स्मॉल रहता है। ठीक है, और अब हमने लास्ट में हमने पढ़ा था स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, जिसमें नॉर्मल क्रोमोसोम्स है उनके कंपैरिजन में उसकी साइज बहुत ही ज्यादा होती है, उनकी साइज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उसको क्या बोला गया, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर हमें दो क्रोमोसोम्स पढ़े, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स एंड लैम्बर्ट क्रोमोसोम्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के बारे में। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो क्या किस में प्रेजेंट रहते हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहते हैं, स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स रहते हैं। ठीक है, जिनकी साइज नॉर्मल साइज से 3000 गुना ज्यादा रहती है, 3000 गुना ज्यादा इसकी साइज रहती है नॉर्मल क्रोमोसोम्स के कंपैरिजन। और क्या रहता है इसके अंदर, प्रोकैरियोट ये पॉलीटीन क्रोमोसोम है। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसके अंदर हुई थी, इंसेक्ट के अंदर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जो मक्खी होती है उसके अंदर हुई थी। फल मक्खियां हैं, ठीक है, सेब मक्खियां हैं, इनके अंदर क्या है, उनकी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है, उनकी सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा निकलता है उनके अंदर, ठीक है, उसकी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, उनके अंदर क्या हुई थी, इसकी पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हुई। इसीलिए इसको क्या कहा गया, स्लैवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स भी कहा गया। ठीक है, तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, डिप्थेरिया लार्वा के अंदर, काइरिनोमा लार्वा के अंदर। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी हुई थी काइरिनोमा लार्वा के अंदर, जो स्लैवरी ग्लैंड है, जिसके रेस्पिरेटरी ट्रैक है या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है, उसके अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी। किसने की, बाल्बियाने ने की 1881 के। इसने क्या देखा कि ये एक क्रोमोसोम देखा उसने कि जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स की इसकी साइज बहुत ही ज्यादा थी। ठीक है, और उसके बारे में उसने स्टडी की कि हाँ ये लार्वा के अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर डिस्कवरी की थी, काइरिनोमा लार्वा के अंदर, काइरिनोमा लार्वा के अंदर उसने इसको खोजा था। ठीक है, और देखा कि ये नॉर्मल क्रोमोसोम से डिफरेंट है, किस नाम से दिया, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ में क्या दिया कि ये सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम है, क्यों, क्योंकि ये सलाइवा में प्रेजेंट हुआ था, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट हुआ, इसलिए इसको क्या कहा गया, सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स भी कहा गया। ठीक है, अब उसके अंदर
जो क्रोमोसोम्स है, जब उसने उसकी स्टडी की तो उसने देखा कि ये क्रोमोसोम्स है वो कैसे लार्ज हो रहे हैं, जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स है उसके कंपैरिजन में क्यों लार्ज है। ये वो लार्ज थे इस वजह से क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा था कि सेल्स में डिवीजन नहीं हो रहा था, सेल डिवीजन नहीं है लेकिन डीएनए का कंटेंट क्या हो रहा था इसके अंदर इंक्रीज होता है। पॉलीजीन क्रोमोसोम से क्या होता है, डीएनए का कंटेंट इंक्रीज होता है लेकिन सेल डिवीजन नहीं होता है। डीएनए का कंटेंट मतलब कि जो क्रोमोसोम है उसकी आर्म्स है क्रोमेटिड, क्रोमेटिड का नंबर इंक्रीज हो रहा है, क्रोमेटिड्स डिवाइड कर रही है लेकिन सेल्स डिवाइड नहीं कर रही। तो क्या बनाया इसने, बहुत ही लार्ज साइज का क्रोमोसोम बनाया जो कि क्या है, पॉलीजीन क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि पॉलीजीन क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, स्लैविक लैंड क्रोमोसोम कहते हैं, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसके अंदर किस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, वो लार्ज कैसे होता है नॉर्मल क्रोमोसोम। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं इसको क्या कहा गया है, इसे स्लैविक लैंड क्रोमोसोम भी बोलते हैं, स्लैविक लैंड क्रोमोसोम भी कहा जाता है। क्या कहा गया इसे, स्लैविक लैंड क्रोमोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, और क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा लार्ज क्रोमोसोम, ये नॉर्मल क्रोमोसोम के कंपेयर में लार्ज क्रोमोसोम होते हैं, मतलब कि बिग क्रोमोसोम है, बड़े क्रोमोसोम है। अंदर क्या है, नॉर्मल क्रोमोसोम के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा लार्ज क्रोमोसोम। ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें दिखाई देते हैं, ये है डिप्थेरिया लार्वा, डिप्थेरिया लार्वा, पायरिनोमा लार्वा, इसके अंदर डिप्थेरिया लार्वा, कारिनोमा लार्वा। ठीक है, और उसकी किसके अंदर, डिप्थेरिया लार्वा, कारिनोमा लार्वा, क्रेन मक्खियों के अंदर होता है। ठीक है, फल मक्खियों के अंदर होता है, मक्खियों में होता है, फल मक्खियों में होता है, मच्छरों में प्रेजेंट होता है, ये इसमें मच्छरों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये किसके अंदर है, क्रेन मक्खियों में, मच्छरों में और किसके अंदर, फल मक्खियों में प्रेजेंट है, जैसे कि ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर, सैंड मक्खियों में प्रेजेंट है। ठीक है, ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर, इसे बोला गया फल मक्खियों को बोला गया, ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर कि किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, कि स्लैविक लैंड के अंदर प्रेजेंट है। सेकंड किसके अंदर प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है पता है, एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव के टाइम पे, डाइजेशन के टाइम पे जब हम फूड लेते हैं तो माउथ के थ्रू किसके अंदर जाती है, यहाँ पर एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल से वो किसमें जाती है, स्टमक के अंदर जाती है। तो उसके अंदर क्या है, एलिमेंट्री कैनाल में इसमें देखा गया है कि ये पॉलीजीन क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, और रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो ये किस किस के अंदर प्रेजेंट रह सकती है, इसकी अपेंस कहाँ कहाँ है, डिप्थेरिया लार्वा, कारिनोमा लार्वा, क्रेन मक्खी,
बनाना होगा एस्टर, मच्छरों सैंड मक्खियों, ठीक है, कि इसके अंदर स्लैमी ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ही प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? सर्वप्रथम 1881 में बालवाली ने क्या किया था? बालवाली ने खाड़ी को मनाना ग्लैंड के अंदर से खोजा गया था, ठीक है। मॉस्किटो में प्रेजेंट है, मच्छरों में, ड्रोसोफिला में ये प्रेजेंट है, फल मक्खियों के अंदर, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी किसके अंदर हुई थी? काइडिनोमा लार्वा के अंदर, ठीक है। काइडिनोमा लार्वा के स्लैबी ग्लैंड में क्या हुई थी? इसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। और क्या है ये? गैर क्रोमोसोम, बहुत ही लार्ज क्रोमोसोम। कैसे क्रोमोसोम है ये? गैर क्रोमोसोम और लार्ज क्रोमोसोम को बोलते हैं, गैर और मेगा क्रोमोसोम। भी कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है? गैर क्रोमोसोम और मेगा क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है, ठीक है। और ये लार्ज होते हैं, लार्ज होते हैं कितने? 3000 टाइम्स लार्ज होते हैं इसके नॉर्मल क्रोमोसोम्स। नॉर्मल जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं उनके 3000 गुना ये कितने रहते हैं? लार्ज रहते हैं। और ये किसके अंदर दिखाई देते हैं? सेल डिवीजन के अंदर जब इंटरफेस चेंज आती है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है। सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है? फर्स्ट क्या रहती है? इंटरफेस की स्टेज रहती है, ठीक है। इंटरफेस की स्टेज के अंदर ये क्लियर दिखाई देते हैं किसके अंदर? पॉलीजीन क्रोमोसोम, बहुत ही लार्ज क्रोमोसोम। तो ये सेल डिवीजन, ये है क्रोमोसोम, किसमें दिखाई देती है? इंटरफेस, यह क्रोमोसोम सेल डिवीजन की इंटरफेस स्टेज में दिखाई देती है। ये क्या है? सेल डिवीजन की इंटरफेस स्टेज के अंदर ये पॉलीजीन क्रोमोसोम दिखाई देता है, किसके अंदर? इंटरफेस स्टेज के अंदर दिखाई देता है। 3000 गुना होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? एंडो रीडुप्लीकेशन, मतलब कि एंडो माइटोसिस को करते हैं। ये बताओ एंडो माइटोसिस और एंडो रीडुप्लीकेशन क्या होता है? एंडो माइटोसिस क्या होता है? जो कि क्रोमोसोम है उसके अंदर सेल डिवीजन के बिना, सेल डिवीजन नहीं हो रहा है उसके अंदर, क्या हो रहा है? उसके अंदर जो क्रोमेटिड है उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है, उनके अंदर डिवीजन हो रहा है, डीएनए का कंटेंट नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, बस उसकी क्रोमोसोम्स की आर्म्स इंक्रीज हो गई। तो इसमें क्या है? इसी वजह से ये लार्ज क्रोमोसोम बनता है, इसलिए इसको क्या है? एंडोमाइटोसिस। क्रोमोसोम्स के अंदर ही क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है, लेकिन सेल डिवीजन नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये किसको फॉलो कर रहा है? एंडोमाइटोसिस या फिर एंडो रीडुप्लीकेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्या क्या है। इसे स्लैबी ग्लैंड क्रोमोसोम कहा जाता है, इसे पॉलीजीन क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं? स्लैबी ग्लैंड क्रोमोसोम्स कहते हैं। यह नॉर्मल क्रोमोसोम्स, नॉर्मल क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की कंपेयर में, नॉर्मल क्रोमोसोम्स की कंपेयर में क्या रहता है? लार्ज क्रोमोसोम, मतलब कि इसकी साइज क्या रहती है? लार्ज रहती है, ज्यादा साइज रहती है, ठीक है। इसको क्या बोला गया? पॉलीजीन क्रोमोसोम बोला गया। और ये कहां कहां प्रेजेंट होते हैं?
ये गजल गजल में खैरिया लार्वा में काई लोमा लार्वा में क्रेन मक्खियों में और फल मक्खियों में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में, ठीक है, सेब मक्खियों में, मच्छरों में, ठीक है, मच्छरों की स्लैबी ग्लैंड के अंदर और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। कौन? पॉलीजीन क्रोमोसोम्स। इसकी सर्वप्रथम 1881 में बाल कैन में काइलोमा लार्वा में स्लैबी ग्लैंड के अंदर इसकी डिस्कवरी की। काइलोमा लार्वा के स्लैबी ग्लैंड के अंदर इसकी डिस्कवरी की, इसके अंदर इसके बाल कैन में 1881 के अंदर, ठीक है। तो ये मॉस्किटो और ड्रोसोफिला में प्रेजेंट है। ये गैन मतलब कि बहुत ही लार्ज या फिर मेगा क्रोमोसोम स्पीस को बोला जाता है। गैन क्रोमोसोम या फिर मेगा क्रोमोसोम बहुत ही लार्ज क्रोमोसोम के नाम से इसको बोला जाता है, ठीक है। और 3000 गुना लार्ज रहता है। नॉर्मल क्रोमोसोम के कंपैरिजन में 3000 गुना लार्ज रहता है, ठीक है। और यह क्रोमोसोम सेल डिवीजन की इंटरफेज स्टेज के अंदर दिखाई देते हैं। किसमें दिखाई देते हैं? सेल डिवीजन की इंटरफेज स्टेज के अंदर ये दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि एंडो माइटोसिस या फिर एंडो रीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है। एंडोमाइटोसिस और एंडो रीडुप्लीकेशन क्या होता है, ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा? एंडोमाइटोसिस या एंडो रीडुप्लीकेशन एंडोमाइटोसिस या फिर एंडो रीडुप्लीकेशन होता है। एंडोमाइटोसिस क्या है? इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है इस तरह की स्ट्रक्चर है इसकी, ये सेंटर के अंदर क्या रहता है? क्रोमोसेंटर बोलते हैं। जो सेंट्रोमियर है इसको क्या बोला गया? क्रोमोसेंटर बोला गया इसको। और यहां से क्या रहती है? इसकी आर्म्स निकलती है। मतलब किसके अंदर क्या है? लार्ज क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। टोटल 5 आर्म प्रेजेंट है, ठीक है। 5 आर्म प्रेजेंट है। जो फिफ्थ आर्म है, लास्ट आर्म, लास्ट आर्म है, वो क्या है? फर्स्ट क्रोमोसोम। इसको क्या बोला गया? फर्स्ट क्रोमोसोम या फिर एक्स क्रोमोसोम। जो इसकी लास्ट आर्म है ये क्या है? फर्स्ट क्रोमोसोम है या फिर एक्स क्रोमोसोम बोला गया इसे, ठीक है। इसके अंदर ये दो आर्म मिलते हैं, फर्स्ट आर्म और सेकंड आर्म मिलके क्या बना रही है? फर्स्ट आर्म और सेकंड आर्म मिलके क्या बना रही है? ये बना रही है क्रोमोसोम, बना रही है आर्म ऑफ क्रोमोसोम सेकंड। क्रोमोसोम सेकंड का आर्म बना रही है, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बना रही है? आर ऑफ क्रोमोसोम
काम बना रही है, ठीक है। और यहाँ पर सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाई क्रोमोसोम। क्या प्रेजेंट है सेंटर के अंदर, वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके अंदर सेंटर वाले पार्ट को हमने क्या बोला है, क्रोमोसोम। तो इसमें क्या है, फाइव आर्म प्रेजेंट है और फोर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। कौन से, चार क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। फर्स्ट क्रोमोसोम है उसको क्या बोला गया, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सेकंड क्रोमोसोम कैसे बन रहा है, जो फर्स्ट आर्म है और सेकंड आर्म है उससे मिला के क्या बन रहा है, सेकंड क्रोमोसोम बन रहा है, ठीक है। और थर्ड आर्म है और फोर्थ आर्म है उससे मिला के क्या बन रहा है, थर्ड क्रोमोसोम बन रहा है, ठीक है। सेंटर के अंदर कौन, सेंटर के अंदर एक क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलीजीन की स्ट्रक्चर, पॉलीजीन क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। इसके अंदर ये इस तरह की स्ट्रक्चर क्यों बनी, एंडोमाइटोसिस की वजह से, एंडो रीडुप्लीकेशन की वजह से। इसके अंदर क्या होता है कि क्रोमेटिन और डीएनए नंबर डिवाइड करते हैं, क्रोमेटिन और डीएनए नंबर डिवाइड करते हैं। लेकिन सेल डिवीजन नहीं होता है। क्रोमोसोम्स तो डिवाइड कर रहे हैं लेकिन सेल्स डिवाइड कर पा रही है नहीं, सेल्स डिवाइड नहीं कर रही है, सिर्फ क्रोमोसोम्स डिवाइड कर रहे हैं। इसको क्या बोला गया, एंडोमाइटोसिस या फिर एंडो रीडुप्लीकेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, साइज, इसकी साइज, क्रोमोसोम की साइज बहुत ही लार्ज हो गई क्योंकि सेल डिविजन नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये है क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, क्रोमोसोम और क्या प्रेजेंट है, आर्म्स प्रेजेंट है। टोटल चार क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर सेकंड एंड आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम नंबर थर्ड, ठीक है। तो ये है पॉलीजीन क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या है, लार्ज क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्यों प्रेजेंट हुए, क्योंकि क्रोमेटिन और डीएनए कंटेंट नंबर डिवाइड करते हैं, क्या है, क्रोमेटिन और डीएनए नंबर डिवाइड करते हैं, लेकिन सेल डिवीजन है वो नहीं होता है। सेल डिवीजन इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर किस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट करती है, इस क्रोमोसोम्स के अंदर कैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट करती है, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, सपोज ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसके अंदर कुछ बेंडिंग पैटर्न्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, बेंडिंग पैटर्न दिख रहे हैं इस तरह से, क्या दिख रहे हैं, बेंडिंग पैटर्न दिख रहे हैं, ठीक है। इस बेंडिंग पैटर्न को
बैंडिंग पैटर्न्स, जिसको हम बोला बैंड्स, और एक्रोमेटिक रीजन को हमने बोला इंटरबैंड्स। बैंड्स एंड इंटरबैंड्स बोला गया है, ठीक है। ये बैंड्स होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, और इंटरबैंड्स रहते हैं वो लाइट कलर के। कैसे रहते हैं? लाइट कलर के रहते हैं, कि इनको ये बैंड्स को बोला है। ये बैंड्स है और दो बैंड्स के बीच में ये क्या है? इंटरबैंड्स। इसके अंदर क्या है? ये बैंड्स है और ये इन दोनों के बीच में क्या रिप्रेजेंट है? इंटर बैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या है? डार्क होते हैं और ये लाइट होते हैं। दो रीजन में डिवाइडेड रहता है, क्रोमेटिक एंड अक्रोमेटिक रीजन के में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? बैंड्स और इंटर बैंड्स के फॉर्म में डिवाइडेड रहते हैं। इनका जो डायमीटर होता है, डायमीटर मतलब व्यास, इनका व्यास रहता है 0.05 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर। क्या रहता है इनका व्यास? रहता है इसका पॉलीजीन क्रोमोसोम्स का, ठीक है। इन बैंड्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट रहता है, और इंटर बैंड्स के अंदर क्या रहते हैं? इंटर बैंड्स के अंदर डीएनए नहीं होता, डीएनए कम प्रेजेंट रहता है। जो डार्क होते हैं बैंड्स में डीएनए प्रेजेंट रहता है, बैंड्स में क्या है? डीएनए कंटेंट प्रेजेंट होता है, जो जेनेटिक लोकाई के समान होता है, जो जेनेटिक लौकी के समान होता है। जेनेटिक लोकाई के समान होता है। बैंड्स के अंदर क्या है? ये जो बैंड्स है इसके अंदर क्या है? डीएनए कंटेंट प्रेजेंट, ठीक है। तो ये क्या है? जेनेटिक लोकाई के समान होता है, ठीक है। और इंटरबैंड्स के अंदर डीएनए की अनुपस्थिति होती है। इंटरबैंड्स में डीएनए की अनुपस्थिति, डीएनए की एब्सेंस, डीएनए की अनुपस्थिति के कारण अवंशात्मक होता है। क्या है? बैंड्स प्रेजेंट है, इंटर बैंड्स प्रेजेंट। बैंड्स डार्क होते हैं, इंटर बैंड्स लाइट होते हैं। बैंड्स के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिक होता है, इंटर बैंड्स अक्रोमेटिक रहता है, ठीक है। बैंड्स के अंदर डीएनए कंटेंट प्रेजेंट रहता है और इंटर बैंड्स के अंदर डीएनए कंटेंट नहीं रहता है। उसके अंदर डीएनए कंटेंट क्या होता है? डीएनए एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बैंड्स सेम रहते हैं किसके अंदर? स्पीसीज के अंदर। वो सेम स्पीसीज है, सेम जाति है, ठीक है। उसके अंदर नंबर ऑफ बैंड्स वो सेम रहेंगे, बैंड्स के नंबर सेम रहेंगे सेम जातियों के। तो इसके अंदर क्या है? नंबर ऑफ बैंड्स सेम होते हैं इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज। जो भी स्पीसीज है, सेम स्पीसीज के अंदर, सेम स्पीसीज के अंदर क्या रहते हैं? नंबर ऑफ बैंड्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, सेम नंबर ऑफ बैंड्स, सेम स्पीसीज। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर इतने बैंड्स रहेंगे, तो ह्यूमंस के अंदर इतने बैंड्स रहेंगे, तो वो क्या है? सेम स्पीसीज के अंदर सेम नंबर ऑफ बैंड्स रहते हैं। इसके कारण क्या हो सकता है? म्यूटेशन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ बैंड्स इसके सेम रहते हैं, सेम स्पीसीज के अंदर, इसलिए इसके अंदर म्यूटेशन, डिलीशन और क्या क्या हो सकता है? डिलीशन हो सकता है, इन्वर्जन का पता लगाया जा सकता है। इसके कारण म्यूटेशन, डिलीशन
सेम स्पीसीज है तो इसके अंदर नंबर ऑफ बैंड्स भी सेम रहेंगे। तो इससे क्या पता लगाया जा सकता है इसके इसमें म्यूटेशन के बारे में, इसके अंदर डिलीशन के बारे में, इन्वर्सन के बारे में पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है एंडोमाइटिस, इसमें क्या होता है एंडोमाइटोसिस और एंडो रीडुप्लीकेशन होता है, क्रोमेटिक और डायक्रोमेटिक रीजंस होते हैं, बैंड्स और इंटर बैंड्स डार्क एंड लाइट। ठीक है, इसके अंदर डायमीटर होता है 0.05 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक। बैंड्स में डीएनए कंटेंट प्रेजेंट रहता है जो कि जेनेटिक लोकाई को रिप्रेजेंट करता है। इंटर बैंड्स में डीएनए अनुपस्थित रहता है उसके कारण अवक्षापक हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ बैंड्स सेम रहते हैं नंबर ऑफ स्पीसीज के। ठीक है, और क्या होता है ये कभी कभी क्या होता है ये बैंड्स फूल के मोटे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, बहुत ही बड़े फॉर्म में हो जाते हैं। ये बैंड्स क्या होते हैं एनलार्ज हो जाते हैं, उनकी साइज इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि ये है, यहाँ से बैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें क्या है इसकी साइज इस तरह से लार्ज हो जाती है, और यहाँ पर क्या है इंटर बैंड्स प्रेजेंट है, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम्स। तो बीच बीच में क्या है कि इनकी साइज क्या होती है कभी कभी बिग हो जाती है। क्या हो जाती है उनकी साइज बिग हो जाती है। ठीक है, कई बैंड्स कभी कभार एनलार्ज हो जाते हैं, कई बैंड्स कभी कभार एनलार्ज हो जाते हैं। उनकी साइज क्या होती है इंक्रीज हो जाती है, बैंड्स की साइज क्या होगी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लार्ज लैटरल लूप के बढ़ने से बनते हैं, लैटरल लूप्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये एनलार्ज होने के बाद में क्या होता है इसके अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं बाल्बियानी रिंग, बाल्बियानी रिंग बोला गया है इसे, और क्या बोला गया है क्रोमोसोमल पफ बोला। लेकिन ये क्या था कॉम्प्लेक्स था, डार्क स्ट्रैंड था, हिट्रोक्रोमेटिक रीजन था। इसमें क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये जो डीएनए कंटेंट है वो खुल गया है। यहाँ पर क्या हो सकता है आरएनए का सिंथेसिस हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। तो इसको क्या बोला गया बाल्बियानी रिंग और क्रोमोसोमल पफ बोला गया। ठीक है, अब हम डार्क पार्ट हम यहाँ लिखते हैं डार्क पार्ट, जैसे कि ये है ये डीएनए है, यहाँ पर ये डार्क पार्ट, ये इंटर पार्ट, ये डार्क पार्ट, ये इंटर पार्ट, ये डार्क पार्ट, ये इंटर पार्ट, यहाँ पर क्या है क्रोमोसोमल पफ, इस तरह की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तरह की स्ट्रक्चर है इसके अंदर, इसे क्या बोला गया डार्क पार्ट, इसे क्या बोला गया इंटर बैंड, इसे क्या बोला गया क्रोमोसोमल पफ, या फिर क्या बोलते हैं क्रोमोसोमल पफ या फिर बाल भी आए रे। ठीक है, ये जो डार्क बैंड है ये क्या होते हैं हिट्रोक्रोमेटिन, इसमें क्या
या फिर ट्रांसक्रिप्शन हो, तो ये क्रोमोसोम्स के बैंड्स हैं। इसके अंदर बैंड के पैटर्न प्रेजेंट है, जैसे कि ये क्रोमोसोम्स है, इसके अंदर क्या है, बीच बीच में इस तरह से बैंडिंग पैटर्न प्रेजेंट है, और कहीं पे क्या है, ये इस तरह से पफ प्रेजेंट है। तो इस स्ट्रक्चर को इस तरह से देखा गया। इसमें क्या है, डार्क बैंड होते हैं और ये होते हैं इंटर बैंड्स। ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा हेटरोक्रोमेटिन होते हैं, ये टू क्रोमेटिन रहते हैं। इसके अंदर डीएनए कंटेंट प्रेजेंट रहता है, डीएनए कंटेंट प्रेजेंट रहता है, डीएनए कंटेंट ज्यादा होता है। इसमें क्या है, डीएनए कंटेंट लेस है। यहाँ क्या है, आरएनए कंटेंट लेस है और आरएनए कंटेंट यहाँ पर ज्यादा रहते हैं। ठीक है, डीएनए ज्यादा आरएनए कम, डीएनए कम आरएनए ज्यादा। ठीक है, और क्रोमेटिक रहते हैं, ये एक्रोमेटिक है, ये डार्क रहते हैं और ये लाइट चैनल रहते हैं। ठीक है, और जो बाल्बियाने रिंग है, जो एकदम जो बैंड्स है वो क्या हो गए, खुल गए, खुल के क्या हो गए, एनलार्ज हो गए, पफ बना लिया, जिसको हमने क्या बोला, क्रोमोसोमल पफ। और इसे बाल्बियाने ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको क्या नाम दिया, बाल्बियाने रिंग नाम दिया। ठीक है, ये बाल्बियाने रिंग और क्या करेंगे, इस डीएनए के कंटेंट को आरएनए का सिंथेसिस करेंगे, आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये क्या है, पॉलीटिन क्रोमोसोम, जो कि स्लैविक ग्लैंड में इसकी डिस्कवरी हुई, जिसके अंदर बैंडिंग पैटर्न्स है, जो कि क्या फॉलो कर रहा है, एंडोमाइटोसिस को फॉलो करता है। एंडोमाइटोसिस क्या है, एंडो रीडुप्लीकेशन है, जिसके अंदर सेल डिविजन नहीं हो रहा है, सेल डिविजन नहीं हो रहा है, सिर्फ क्रोमेटिन का डिविजन होता है। ठीक है, थैंक यू। आज हमारा ये पॉलीटिन क्रोमोसोम का